गुड मॉर्निंग गाइज, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज कमलजीत राणा। जो लोग मेरे चैनल पर रहे हैं प्लीज टू कंसीडर सब्सक्राइबिंग, और जो लोग मेरे साथ पहले से जुड़े हुए हैं थैंक यू सो मच। मुंबई में ना ठंड के मौसम में, वैसे तो ठंडी आती ही नहीं है मुंबई में, बहुत नॉर्मल रहता है यहाँ पे टेम्परेचर। नॉर्थ साइड तो बड़ी ठंड होती है, बट मुंबई में क्या होता है ना, अगर आप अर्ली मॉर्निंग उठ जाते हो तो तकरीबन 7:30 बजे तक, सुबह के 7:30 बजे तक बहुत ही मीठी मीठी सी ना एक हल्की सी ठंडक होती है। मतलब नॉर्थ वाली ठंड नहीं कहूँगा, लेकिन एक बहुत मीठी मीठी सी ठंडक होती है। और अगर आप सुबह उठते हो ना तो उस ठंडक को एंजॉय कर सकते हो, बहुत ही प्लेजेंट फील होता है। एंड दैट इज़ व्हाट आई हैव बीन डूइंग सिंस पास्ट फ्यू डेज, वेकिंग अप अर्ली एंड एंजॉयिंग दिस। बड़ा मज़ा आता है सुबह सुबह उठ के, एटम भी उड़ जाता है मेरे साथ जैसे मैं बाहर आऊँगा ना रूम से। ही ऑल्सो वेक्स अप। सुबह सुबह जल्दी उठने के साथ साथ मैंने एक अच्छी आदत और डाली है, और वो ये है कि अब मैं सुबह उठते ही खाली पेट सबसे पहली चीज़ जो पीता हूँ और वो है दिस एप्पल साइडर विनेगर फ्रॉम कपीवा। मुझे अभी लगभग 2 हफ्ते हुए हैं इसको स्टार्ट किए हुए, और जो इसकी रिकमेंडेड यूसेज होती है मैं उसका हाफ ले रहा हूँ, बिकॉज मैं इनिशियल फेजेस में ये देखना चाह रहा हूँ कि भाई मेरी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है इसके साथ। धीरे धीरे जब ये मेरी बॉडी को सूट करता है तो जितना रेकमेंडेड यूसेज है मैं उतना लेना शुरू कर दूंगा। अच्छा, इसकी सबसे अच्छी बात ये कि यार इट इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ऑर्गेनिकली ग्रोन एप्पल्स इन हिमालयस, की टेस्ट और न्यूट्रिशन वैल्यू को बढ़ाने के लिए इसको इन्फ्यूज किया जाता है लेमन, जिंजर, गार्लिक और हनी के साथ। पर हाँ, और ये आपके इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करता है, प्लस आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करता है। तो अगर आप चाहें तो इसको ट्राई भी कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल दूंगा। मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है भाई अभी कुछ दिनों से जब से मैं ट्राई कर रहा हूँ। बाकी आप लोग भी ट्राई करके देखिए, अगर आपको ये पसंद आए तो वाई नॉट। तो सीन ये है कि ज्योति को मैंने बोला है कि मुझे तो है कुछ काम और मैं निकल रहा हूँ, और उसको बताया नहीं मैं एक्चुअली क्या करने जा रहा हूँ। अब करवा चौथ आ रहा है तो मैं ज्योति के लिए 2-3 छोटी छोटी चीज़ें, बिकॉज काफ़ी टाइम से मैंने ज्योति को कोई गिफ्ट नहीं दिया है, तो मैं उसके लिए 2-3 छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो लेने जा रहा हूँ। मुझे कोई आइडिया नहीं है भाई, मुझे आप मानोगे नहीं कि इतने टाइम साथ रहने के बावजूद भी मेरे को अभी तक कोई आइडिया ही नहीं कि उसको क्या पसंद आएगा क्या पसंद नहीं आएगा। बट आई एम गोइंग टू ट्राई माई बेस्ट, प्लस यू गाइज आर ऑल्सो देयर विद मी। और मैं बैठ चुका हूँ अपनी बुलेट रानी पे, और अब हम निकलते हैं, इन्फिनिटी मॉल जा रहा हूँ, और वहीं पे दुकानें देख के कुछ भी जो पसंद आएगा ना एकदम से, जो पहले इंस्टिंक्ट में जो दिल को भाएगा ना वो मैं ले लूँगा। 3-4 चीज़ें डिपेंडिंग अपॉन कि भाई क्या क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है, वो चीज़ मैं पूरा एक सरप्राइज पैकेज से बनाना चाह रहा हूँ उसके लिए करवा चौथ के लिए। सो आई होप यू गाइज आर विद मी, फिंगर्स क्रॉस्ड एंड आई होप दैट शी लाइक्स इट। चलिए चलते हैं। मैं तो अभी बस घुसा हूँ और मुझे ऑलरेडी कन्फ्यूजन शुरू हो गई है, मेरे को नहीं पता मैं ले पाऊंगा या नहीं ले पाऊंगा। भाई मेरे तो गिफ्ट बाइंग स्किल्स जो है वो जीरो होते जा रहे हैं, पर कोई नहीं, सबसे पहले हम जा रहे हैं वेस्ट साइड के अंदर, एंड म्यूजिक से स्वागत किया गया है, और सीधा चलते हैं इंडियन सेक्शन के पास। शॉर्टलिस्ट किए हैं, बट यार बहुत डिफिकल्ट है, मेरे बिल्कुल शॉपिंग स्किल्स खत्म होते जा रहे हैं। 2 सूट मैंने शॉर्टलिस्ट कर लिए हैं, वैसे पूरा सेट है, अब मैं जा रहा हूँ, मुझे अगर कोई मैचिंग उसके साथ ही शूज़ मिल गए, वाह क्या तिकड़म भिड़ा रहा हूँ मैं आज, मैचिंग शूज़ ढूंढ रहा हूँ, और अगर नहीं मिला ना डक्का कुछ पोपट हो जाएगा, बहुत गंदा पोपट। बिकॉज ऑफ कोविड अभी ऐसे टाइम पे ना एक्सचेंज भी इन्होंने बोला कि सर एक्सचेंज अलाउड नहीं है, तो अगर मान लो मैं अगर कुछ लेता हूँ और अगर साइज में कुछ इधर उधर प्रॉब्लम है तो मैं एक्सचेंज भी नहीं कर पाऊँगा। कतई कन्फ्यूज हो गया भाई लौंडे तू तो, पर मैं आज करके रहूँगा, मैं आज एक सेट बना के रहूँगा ज्योति के लिए। मैंने जो 2 ऑप्शन सेलेक्ट किए उसके लिए ये 3 चीज़ें ली हैं, 1, 2, 3। अब
मैं जाके मैच करूँगा ये तीनों किस रूप के साथ अच्छे जा रहे हैं, फिर मैं वो फाइनल करूँगा। आई थिंक दैट्स व्हाट आई एम फाइनल। ये है फर्स्ट ऑप्शन जो मैंने सिलेक्ट किया है। अब इन तीनों को पेयर करता हूँ इसके साथ कि कैसे लग रहे हैं। ये दुपट्टा है इसका, ये दुपट्टा है इसका, ये सूट, ये प्लाजो। ये है मेरा सेकंड ऑप्शन। आई थिंक सेंटर वाले सही जा रहे हैं इनके साथ। नाउ आई एम कॉलिंग सनोबर फॉर सम हेल्प, अगर से उठाया तो काम के टाइम पे कोई फोन नहीं उठाता। अब ये फैसला मुझे ही लेना होगा। कोविड ने ना और सिचुएशन खराब कर दी। मतलब अगर कोई भी चीज़ हमें रिटर्न या एक्सचेंज करनी हो तो हम नहीं कर सकते। नो रिटर्न नो एक्सचेंज, नॉट इवन आफ्टर सम टाइम। आपका लॉस हो रहा है, कस्टमर ये सोच रहा हो ले या ना ले। आई एम रियली कन्फ्यूज वेदर आई शुड बाई इट और नॉट। आई विल ट्रस्ट माई इंस्टिंक्ट एंड आई विल बाई इट, बट वॉट इफ, वॉट इफ, वॉट इफ आई कैनॉट गेट इट एक्सचेंज, आई कैनॉट गेट इट रिटर्न, नो कैशबैक पॉइंट्स ऑल्सो, नो पॉइंट्स ऑल्सो। अब मैं मैचिंग इयर रिंग्स ढूंढने जा रहा हूँ। इयर रिंग्स मिल गए तो इयर रिंग्स के अकॉर्डिंग मैं पेयर मैच कर दूंगा और मैं वही खरीद लूँगा। यस, मैंने डिसाइड कर लिया, तो मैंने इयर रिंग्स सिलेक्ट कर लिए। नाउ लेट्स फाइनलाइज। मैंने ये फाइनल कर लिया है और नो आई एम श्योर दैट आई एम गोना टेक दिस, बट चलेगा ना आपको। आई वॉन्ट टू कीप देम सेपरेट, एक बार मैं बाहर देख के आता हूँ कुछ और, बिकॉज मैं पहले ही उस पर आया हूँ शोरूम में और मैं नहीं चाहता कि मैं पहले भी शोरूम पे फाइनल कर दूँ, बट दिस इज माई फाइनल थिंग। यू कैन, आप लोग इसको सेपरेट रख सकते हो ना सुपर, तो आप इसको सेपरेट ही रख दो। मैं आता हूँ चेक करके एक जगह और, दूसरी जगह और, एंड देन आई कम एंड पे। ठीक है, थैंक यू सो मच। इट इज़ ऑलवेज बेटर टू गो टू अ डिफरेंट शोरूम एंड चेक अदर थिंग्स ऑल्सो, क्योंकि मैं पहले ही उसमें घुसा था और पहले उससे फाइनल करना ठीक नहीं रहेगा। सो आई विल गो एंड टेक अ राउंड, अगर मुझे कुछ और भी पसंद आता है तो देखते हैं, नहीं तो अदरवाइज अपना फाइनल तो हो ही गया। चलते हैं ऊपर चलने वाले। और एंड है मेरा मोड़ा है नायका कॉस्मेटिक्स। तो मैंने बीबा पे चेक किया ऑप्शन, एक अच्छा लगा मुझे, बट देन वो सेट अच्छा है लेकिन मैं पता नहीं कन्विंस नहीं हुआ मैं। आई रियली लाइक इट, आई थिंक मेरा दिल उस पर आ चुका है जो वेस्ट साइड में मैंने देखा ना। आई थिंक विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम आई शुड गो एंड जस्ट फाइनलाइज इट। यार वो बंदा ही कहाँ चला गया पता नहीं, सेल्स वाला जिसको मैंने सारे ऑप्शंस फाइनल किए थे। एक्सक्यूज मी, वो एक सेल्समैन है जो चश्मा पहनते हैं, कैन यू कॉल हिम प्लीज। हाँ मतलब कुछ अलग सेपरेट रखवाया था मैंने, तो वो बिलिंग करानी मुझे, तो वो कहाँ पर है मैं भूल रहा हूँ। विकास नाम है सेल्समैन का, वेरी गुड गाय, बहुत कोऑपरेटिव था, साथ साथ रहा मेरे हर जगह, हेल्पिंग मी विद एवरीथिंग। मैंने फाइनल कर लिया है, आई होप दैट ज्योति लाइक्स इट। आप लोगों ने तो देख लिया क्या है, अभी विकास आ गया, फ्री हो गया है। विकास कहाँ थे आप यार, कब से ढूंढ रहा हूँ मैं आपको। चलो बिलिंग कर लेते हैं, कहाँ पर है। तीनों चीज़ रखी है ना संभाल के, फ्रेश पीस है ना ये, एक बार सब निकाल के चेक कर लेना इसमें धागे वागे ना निकल रहे हो, है ना। कहाँ पे करेंगे चेक, हाँ चलो उधर आओ। हाँ मतलब अलग अलग कर दो पैक तीनों चीज। सॉरी प्राइस टैग रहने दो, बीवी को चेक करना जरूरी है, उनको पता होना चाहिए कितने की आई है, उससे फर्क तो नहीं पड़ता लेकिन बाद में पूछेगी मुझसे। इतने गिफ्ट दे दो, बाद में पूछती हैं कितने के लाए, ये कितने का, सस्ता ले आए महंगा ले आए, होता ही।
साहब अभी बस घर में घुसाऊँ, और मैं कह रहा था ना आपको मुझे बहुत ज़ोर की भूख लगी हुई है। मेरे बिना फ़ोन किए या ज्योति को इत्तला किए ज्योति ने मेरे लिए कुछ बना के रखा हुआ है। आप लोग और मैं साथ में देखते हैं कि क्या बना हुआ है। ओहो हो, क्या ये वही है ज्योति जो मैं सोच रहा हूँ कि ये वो है? ये तो भेल है। ओहो, आई लव भेल। अब जरा हम भेल का आनंद उठाते हैं और फिर आपको मिलते हैं। क्या आया है? और मेरी बहुत ही अच्छी बेहतरीन दोस्त सनोवर ने मेरे लिए एक छोटा। किसकी दोस्त? मेरी दोस्त। किसकी दोस्त? तुमसे पहले से ही वो मेरी दोस्त। अभी किसकी है? अभी वो तुम्हारी हो रखी, लेकिन आज के लिए वो मेरी दोस्त है, बिकॉज़ उसने मेरे लिए केक भेजा है। सनोवर वही वाली है, पहले बताओ, जो हमें ब्राउनीज भेजती है। मैंने वर्ल्ड की बेस्ट ब्राउनीज जो खाई है वो है सनोवर के हाथ। केक का नहीं पता है, अभी केक भेजा उसने। सॉरी, अच्छा। तुम्हें नहीं पता था, मुझे पता था कि केक भेजा है। मुझे कलर भी पता है इसका, क्योंकि मैंने ही चूज किया। वेल हेलो, वेल हेलो, थैंक यू, मेरा अच्छा। आई होप वही कलर हो जो मैंने बोला था, बाकी पता नहीं है। वही होगा, क्योंकि तुम्हारी चॉइस कभी भी खराब नहीं होगी। ओए, 25K, वाओ, दिस आई डिड नो, 25K। ये बर्थडे का भेजा है कि उसका भेजा है? अरे 25 को बर्थडे मेरा, और के से कमल, और 25K भी कंप्लीट हो गए। तो हो गया टोटल, सब कुछ हो गया ना, दो चीज हो गई। यस, कमू, आई थिंक वो डिलीवरी में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है यार। वो चॉकलेट ही गिर गई होगी, तो कोई बात नहीं। वो तो डिलीवरी में रफ एंड टफ होता ही है थोड़ा सा, बट सनोवर, ओ माय गॉड, लेट अस जस्ट टेस्ट इट। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे। कैंडल फील ले ली ना, कैंडल की फील क्या होगी? था थूके नहीं फेंकता मैं हर जगह। हैप्पी बर्थडे डियर कमल जी। तुम खाओ पहले। Oh my God! Bash, itasha. Good girl. Hatu ye le. Good boy. Nikku bye bol de. Bye bol de bye. Kero guys bye bye. Hum log milenge aapko apni next video mein. You wanna say bye? Not interested? Okay guys, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अब मैं आपसे मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा। Stay happy, stay blessed. Bye.